एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू की है, तो इस सीरीज में हमने चरक चिकित्सा स्थान के ज्वर अध्याय को हम पूरा कर रहे थे। तो उसमें हमने ज्वर के जो भी फीचर्स थे, जो भी उसके टाइप्स थे, टाइप्स के क्या क्या फीचर्स थे, उसके पूर्व रूप क्या थे, और प्रवृत्ति, प्रकृति और प्रभाव हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें ले ली थी। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ज्वर की जो चिकित्सा है, चिकित्सा सूत्र और उसके योग, हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक चिकित्सा स्थान के जितने भी चैप्टर्स हैं वो थोड़े 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 लेंदी ही हैं, लेकिन आप उसको रेगुलर रिवीजन करेंगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले जो है हमारा आएगा श्लोक नंबर 139 पे आप आएंगे। तो 139 में क्या दिया हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि ज्वर में सर्वप्रथम लंघन करने का क्या महत्व होता है। मतलब आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि ज्वर में आपको सबसे पहले क्या करना है, लंघन करना है। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है कि जो वाता ज्वर होता है उसमें आप लंघन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि जो वाता ज्वर, अब लंघन से क्या होता है, लंघन से वात दोष और बढ़ जाता है। वाता ज्वर है, दोष वात भी बढ़ जाएगा, लंघन भी आप करा रहे हो तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वाता ज्वर में आप लंघन नहीं कराएंगे। अब उसके बाद आता है श्लोक नंबर 140 पे आप आएंगे। तो 140 में क्या दिया हुआ है कि लंघन जो आप कराते हैं उसका फल क्या होता है, मतलब लंघन कराने से फायदा क्या होता है, हमें क्यों कराना है लंघन सबसे पहले, तो उसको क्यों कराना है आपको। लंघनेन क्षयम् नीते दोषे संदूषिते अनिले, मतलब लंघन कराने से क्या होगा, जो दोष होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब जब दोष नष्ट हो जाएंगे आपके शरीर से, तो क्या होगी आपकी जो आपकी जो अग्नि है वो क्या होगी, संदूषित होगी। ठीक है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होगी। जठराग्नि प्रदीप्त होने पे क्या होगा, वीज्वरत्वम लघुत्वम च शुचे वास्योपजायते। जब जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, दोष हमारे रहे नहीं है, तो क्या होगा, ज्वर का जो है नाश हो जाएगा, शरीर जो है हल्का हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, शुचे वास्योपजायते, मतलब जो पेशेंट है उसकी क्या होगी, भोजन में रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे श्लोक नंबर 141 पे। उसमें क्या दिया हुआ है कि लंघन जो है आपको कब तक कराना है, आपने बोल दिया लंघन कराना है, लेकिन आपको कब तक लंघन कराना है, तो आपको तब तक लंघन कराना है जब तक उसके प्राणों पे कोई आपत्ति ना आए। क्यों ना आए, क्योंकि अगर प्राणों पे ही आपत्ति आ गई, आप चिकित्सा क्यों कर रहे हो, उसके प्राण बचाने के लिए ही कर रहे हो। अब जब आपने लंघन ही इतना करा दिया कि उसके प्राण नहीं बचेंगे, तो फायदा क्या हुआ, राइट। तो इसलिए आपको उतना कराना है कि जिससे उसके प्राणों पे कोई आपत्ति ना आए। अब वो आप याद कैसे रखेंगे, श्लोक नंबर 141 में क्या दिया है, प्राणा विरोधीना, मतलब प्राण का विरोध नहीं होता, और बलाधिष्ठान आरोग्य, मतलब बल के ही अधीन आरोग्य होता है, अगर बल ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब पेशेंट कैसे जिंदा रहेगा। अब आप आएंगे श्लोक नंबर 142 पे। 142 में क्या दिया हुआ है, दोष पाचक साधन बताए गए हैं। दोष पाचक साधन मतलब ये जो आपके जितने भी दोष आपके शरीर में बने हैं उनको पचाने के लिए साधन कौन कौन से होंगे, तो दोष पाचक साधन होंगे, श्लोक नंबर 142 में दिया है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागस तिक्तो रसः पाचान्य विपक्वनाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। मतलब आपको क्या कराना है, आपको दोषों को बचाने के लिए सबसे पहले लंघन ही आप करा रहे हो। ठीक है, लंघन कराने से दोष बचेंगे, जठराग्नि तीव्र होगी, जो ज्वर है उसका नाश होगा, शरीर हल्का होगा, और भोजन में रुचि बढ़ेगी। हमने सारे फीचर्स देख लिए थे। अब इसके बाद क्या है, लंघनम स्वेदनम काले, मतलब लंघन कराया, स्वेदन कराया, काले का मतलब क्या है, अभी हमने लास्ट में समसन्निपातज में भी पढ़ा था और आगे भी पढ़ा था आगंतुक ज्वर में जब हम देख रहे थे, तो क्या था कि 8 दिन के बाद जो है वो ज्वर, जब हमने साम निराम में भी ये पॉइंट देखा था, निराम में जब आपने देखा था कि 8 दिन के बाद वो जो ज्वर क्या होता है वो निराम हो जाता है, तो काले का मतलब क्या है कि 8 दिन पूरे बीत जाने पर उसका अपने आप ही दोष जो है वो दोषों का पाचन हो जाता है। यवागस तिक्त रस, मतलब तिक्त रस से सिद्ध यवागु आपको यूज करना है। ठीक है, लंघनम स्वेदनम काले यवागुस तिक्त रसहा। उसके आगे क्या बोला गया है, पाचन्यन्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे, मतलब ये सबसे क्या होता है,
इस सबसे जो ज्वर में आम दोष होता है उसका पाचन हो जाता है। पाचन हो गया तो हमारा क्या होगा, जो ज्वर है हमारा तरुण ज्वर जो है वो नष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा श्लोक नंबर 143 पे। ठीक है, 143 में क्या बताया गया है कि जो आपका ज्वर होता है, ज्वर में आप जल का प्रयोग कैसे करोगे। अब ज्वर ज्वर का प्रयोग भी दोष के अनुसार अलग अलग बताया गया कि वात में क्या होगा, पित्त में क्या होगा और कफ में क्या होगा। तो क्या बोला है, त्रिश्यते सलिलम च उष्णम दद्यात कफ ज्वरे मद्यो तथे पैथिके च अत शीतलम तिक्तके श्रितम। मतलब अगर आपका वात और कफ जन्य ज्वर है या वात पित्त जन्य ज्वर है तो उसमें क्या करना है, वात और कफ है, अब वात और पित्त है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको उष्ण जल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया था, मद्यो तथे पैतिके चात शीतलम तिक्तके श्रितम। मतलब मदिरा पीने से होने वाले पित्त जन्य ज्वर में, एक तो आपने मदिरा का पान किया उसके ऊपर से पित्त जन्य ज्वर है तो उसमें आपको क्या करना है, तिक्त रस से पकाए हुए शीतल जल को शीतल करके देना है। मतलब तिक्तके श्रितम, मतलब तिक्त रस से आपने उसको जो पान है उसको पकाया। ठीक है, तिक्त रस से पकाने के बाद आपको क्या करना है, उसको फिर ठंडा करना है और ठंडा करके आपको देना है, क्योंकि पित्तशामक के लिए तो आपने तिक्त रस ले लिया, लेकिन अगर उष्ण दे दोगे तो वो मद्य के भी विकार को कम नहीं करेगा, ना ही पित्त के विकार को कम करेगा। तो इसलिए क्या बोला गया, वात पित्त में और वात कफ में क्या देना है, उष्ण जल देना है। और अगर मद्य का सेवन किया है और पित्त विकार है तो आपको क्या देना है, आपको तिक्त रस से सिद्ध जल देना है जिसको आपने शीतल किया हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है दीपनम, श्लोक नंबर 144 की हम बात कर रहे हैं। दीपनम पाचनम चैव ज्वरघ्नम उभ्यम ही तत् स्रोतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेदकरम शिवम। क्या मतलब हुआ कि ये जो दीपनम पाचनम चैव ज्वरघ्नम उभ्यम ही तत्, ये जो हमने उष्ण और तिक्त रस से पकाकर शीतल किए हुए ये दोनों जल दिए हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे दीपन होते हैं, पाचन होते हैं, ज्वरनाशक होते हैं, स्त्रोतो जो है, स्त्रोतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम परम शिवम। स्त्रोतो का जो है शोधन करते हैं, बल्यम मतलब बलकारक होते हैं, रुचि स्वेद करम भोजन में रुचि उत्पन्न करते हैं और स्वेद उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में। और शिवम क्या है, शिवम ये एक ज्वर के लिए आप पर्याय भी बोल सकते हो, लेकिन ये बोला गया है कि सभी प्रकार के ज्वर में ये लाभकारक होता है इसलिए उसको शिवम बोला गया है। तो आप ये याद रखोगे कि रुचि स्वेद करम शिवम, ये हमारे किस में आया था, ये हमारा जल में आया था, ज्वर में आया था। ज्वर में कहाँ आया था, जहाँ हमने जल का वर्णन पढ़ा था। जल के वर्णन में हमने क्या पढ़ा था, वात पित्त या पित्त वात कफ ज्वर है तो आपको उष्ण जल लेना है, मद्य के साथ और पित्तजन्य ज्वर है तो आपको क्या लेना है, आपको तिक्त रस से सिद्ध जल को ठंडा करके लेना है। अब ये जो ठंडा करके आप लेते हो इससे क्या फायदा होता है, दीपन होता है, पाचन होता है, ज्वरग्न होता है, बल्य होता है, स्वेदकर होता है, रुचिकर होता है। ठीक है, स्रोतों का शोधन करता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और रुचि स्वेदकरम शिवम ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद आते हैं हम श्लोक नंबर 145 पे। 145 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, जो आपने पहले भी जब हमने रोग निदान या चरक पहले पढ़ी थी, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें याद रहता है। क्या है वो, षडंग पानी है। ज्वर की चिकित्सा में हमें सबसे पहला नाम जो मिलता है लंगन के बाद, वो षडंग पानी मिलता है, हमेशा याद रहेगा। अब इसको याद कैसे करना है आपको, श्लोक में क्या लिखा है, मुस्त परपट कोशीर चंदन उदिच्य नागरे, मुस्त परपट कोशीर चंदन उदिच्य नागरे श्रुत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांते। मतलब मुस्त परपट ओशीर चंदन उदिच्य नागरे, 6 हो गए, मुस्त परपट ओशीर चंदन उदिच्य नागरे, 6 हो गए। अब ये जो 6 चीजें हैं इनसे मिलाकर क्या बना आपका, षडंग पानीय बना। अब इनसे, इन द्रव्यों से जो शीतल इन द्रव्यों से जो सिद्ध जल है हमारा, वो जल को क्या करना है, आपको शीतल करना है। ठीक है, शीतल करने के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, श्रुत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांते। मतलब उसको आपको शीतल करना है, शीतल करने के बाद वो प्यास और ज्वर की जो है वो शांति करती है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, मुस्त परपट ओशीर चंदन उदिच्य नागरे। अब आपको अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आपको कैसे याद रखना है, मुझे पापड़ को चाचा और नाना को देना है, मुझे
पापड़ को चाचा और नाना को देना है, ठीक है? अब मुझे से क्या होगा? मोस्त, पापड़, परपट, पापड़ को से आप ओशीर याद रखेंगे, ठीक है? मुस्त परपट कोशीर, ठीक है? पापा, मुझे पापड़ को चाचा, चाचा से क्या याद रहेगा? चंदन, और से उदिच्य, नाना से नागरे, ठीक है? मुस्त परपट कोशीर चंदन उदिच्य नागरे, मुझे पापड़ को चाचा और नाना को देना है, ठीक है? अब उसके बाद ये और याद रखना है कि खाली ज्वर नहीं, षडंग पानी तृष्णा को भी शांत करता है। तो अगर आप ऑप्शन में आ रहे हैं तृष्णा, ज्वर, मोह, प्रलाप या बोथ ए एंड बी ऐसे कुछ करके, तो आपको दोनों मार्क करने हैं, ज्वर और तृष्णा दोनों। अब उसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 146 पे। 146 में क्या बताया गया है कि ज्वर में वमन कर्म का जो है उसकी महत्ता बताई गई है, कि ज्वर जब आपको होता है तो आपको वमन कर्म क्यों कराना है। तो क्यों कराना है? आमाशय में रहने वाले दोषों में जब कफ की प्रधानता हो, आमाशय में आपके दोष हैं, दोष में कफ की प्रधानता है, कफ की प्रधानता है, तो क्या कराओगे आप? कफ को बाहर निकालोगे। कफ को बाहर निकालने के लिए चिकित्सा क्या है? आपको वमन कर्म कराना है, इसलिए ज्वर में वमन कर्म बताया गया है। अब इसमें बताया है कि ज्वर में तो आपको वमन कर्म कराना है, लेकिन वो बाद में कराना है। अगर आप तरुण ज्वर में ही वमन कर्म करा देते हो तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? 147 श्लोक पे आप आएंगे, उसमें क्या लिखा है? अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणे ज्वरे, हृदय रोगम श्वासम आनाहा मोहम च जन्ये दृभ्रिशम। मतलब अब जो दोष हैं तरुण ज्वर में, दोष जो है वो उत्क्लेश तो हुए नहीं है। अब दोष उत्क्लेश नहीं हुए, आपने रोगी को वमन करा दिया। अब उतना तो था ही नहीं ना कि वो वमन आ जाएगा, वो तो जबरदस्ती उसको कर रहा है। अब करने की वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो करने की वजह से जितने भी ऊपर के उसको रोग होने होंगे, जो आपके उरा या चेस्ट रीजन के जो रोग होंगे, या कंठ के जो रोग होंगे, या सर के जो रोग होंगे, वो उसको होने लगेंगे। क्या क्या होंगे वो? आपको ये टर्म याद रखनी है, सूत्र याद रखना है, हृदय रोगम, हृदय रोग होगा। अब इसको याद कैसे रखोगे? अब वमन दोष उत्क्लेशित है नहीं, वमन का वेग नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है? नीचे से ऊपर आ रहा है तो कैसे होगा? यहाँ से क्या करेगा? हृदय रोग वो उत्पन्न करेगा। हृदय रोग के बाद श्वास में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर लंग्स हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा जोर लगेगा। उसके बाद आना, जब इतना वो उसको वमन कर देगा तो उसको खाना, जो पेट है वो फूलेगा ना, उसको आना होगा, ठीक है? आना के साथ साथ उसको क्या होगा? मोह होगा। जब इतना जोर लगा के वो वमन कर देगा, क्योंकि दोष तो क्लेशित है नहीं, तो उसको क्या होगा? मोह होगा। मोह तो आपको याद रहेगा, हृदय रोगम श्वासम आनाहा और मोह, चार चीजें हैं आपको याद रहेंगी। यहाँ से रिलेटेड है, क्या रहेगी? हृदय रहेगा, हृदय के साथ ही लंग्स हैं, तो हृदय रोग और श्वास तो आपको रहेगा ही, आना आपको याद रखना है, और मोह तो आपको जब इतना ज्यादा आप वमन कर दोगे तो मोह तो होगा ही, ठीक है? वेरी इजी, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, राइट? अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 148 पे। तो 148 में क्या लिखा हुआ है? आम दोष का निष्कासन जो है वो हानिकर क्यों है? मतलब जब तक दोष जो है उत्क्लेशित नहीं होता है, तो यह समझा जाता है कि दोष आशय में या धातुओं में लीन हो गया है, ठीक है? इसलिए संपूर्ण शरीर के सूक्ष्म शिरा, त्वचा आदि में व्याप्त तथा धातुओं में प्रविष्ट यदि साम दोष हो तो सुपूर्वक निकाले नहीं जा सकते, अथवा आंसू प्राण को नष्ट करने वाले होते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका श्लोक नंबर 148 जब आप देखोगे उसमें क्या लिखा है? सर्व देह अनुगा सा आमा धातु तथा आंसू निरहरा दोषा फलानामानाम स्वरसा एव स अत्यया। मतलब जब दोषों का उत्क्लेश नहीं हुआ है तो ये समझा जाता है कि दोष या तो आशय में चले गए हैं या जो है धातुओं में जाके वो लीन हो गए हैं, ठीक है? अब क्या है कि सभी धातुओं में, सभी आश्रयों में जब आपके साम दोष है, तो अब साम दोष क्या है वो, अब निकाल तो आप उसको सकते नहीं हो, क्योंकि वो इतने अंदर 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 जाके वो लीन हो गए हैं। तो अगर वो उनको आप निकाल नहीं पाते हो तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? असु निर्हरा, मतलब असु मतलब प्राण, प्राण का निर्हरण करने वाले होते हैं। जिस प्रकार इसके लिए एक उपमा दी गई है कि दोषा फलानाम मानाम स्वरसा इव सत्याया,
मतलब जिस प्रकार अगर कच्चे फल का स्वरस आप निकाल दो तो वो क्या हो जाता है, वो फल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अगर आप जब दोष धातुओं में लीन हो गए हैं और तब आप साम दोष है, आप उसको ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो उसी प्रकार क्या होता है, हमारे जो शरीर है उसका नष्ट हो जाता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, आसु निरर्हा और स अत्यय। अत्यय भी नाश का मतलब है, अत्यय किसके लिए आया था, जब हमने वो फल का एग्जाम्पल लिया है अभी, और आसु निरहरा किसके लिए आया है, आंसू का मतलब है प्राण, तो प्राण का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, आपको ये दो चीजें इसमें याद रखनी है। अब आपको एक चीज और देखनी है कि ज्वर में जो है यवागु का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, हमने अभी पढ़ाया तरुण ज्वर में यवागु स्थितो काले, काले यवागु स्थितो, यह हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ज्वर प्रयोग में यवागु के काल क्या है। ठीक है, यवागु प्रयोग ज्वर में, जब आप यवागु प्रयोग करते हो तो आपको कब कब उसका प्रयोग करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, हम वो देखेंगे। तो श्लोक नंबर 150 पे आप आएंगे, तो 150 में क्या लिखा है, याव ज्वर मृदु भावात षडहम, मतलब यवागु का प्रयोग तब तक ही करना चाहिए जब तक जो है ज्वर मृदु ना हो जाए। ज्वर मृदु कब होता है, मतलब 6 दिन तक, षडहम मतलब 6 दिन तक जो ज्वर है वो मृदु होता है, और तब तक ही आपको क्या करना है, आपको यवागु का प्रयोग करना है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है कि यवागु का प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक कि ज्वर मृदु ना हो जाए, और षडहम आपको याद रखना है, मतलब 6 दिन तक आपको यवागु का प्रयोग करना है, तब उसके बाद जाके जो ज्वर है वो मृदु हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है यवागु से लाभ। आप जो यवागु का सेवन करते हैं, उस यवागु के सेवन से आपको लाभ क्या क्या होते हैं वो बताया गया है। आप पहले क्या रिवाइज करेंगे कि पहले बताया था लंघन, फिर बताया था षडंग पानी, षडंग पानी में क्या था, मुस्त परपट कोशी चंदन उदिच्य नागरे, ये था हमारा उसमें। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अब यवागु का पान पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हमने वमन कर्म भी पढ़ा था, और अगर दोष उत्क्लेशित नहीं है तो वमन कर्म आप अगर करा दोगे तो उसे क्या क्या होगा, क्या होगा, हृदय रोग, श्वास आनाहा और मोह, ठीक है, ये आपको मिलेगा इसमें। अब उसके बाद आते हैं यवागु से लाभ, हम देख रहे थे, तो श्लोक नंबर 151 पे आप आएंगे, तो इसके लाभ क्या है, तथाश्च भेषज संयोग लघुत्वाच अग्निदीपनः, मतलब दोष अनुसार औषधियों के संयोग होने से पचने में जो, अब जो यवागु है, यवागु को आप क्या करोगे, औषधि के साथ आप उसका पाक करके बनाओगे। ठीक है, और औषधि कौन सी होगी, दोष अनुसार जो भी हमारी औषधियाँ होंगी वो लेंगे हम। ठीक है, तो दोष अनुसार जो औषधियाँ हैं उनके संयोग होने से, पचने में लघु होने से यवागु क्या करती है, भेषज संयोगाल, देख लिया, भेषज के संयोग से जो यवागु बनाई गई, लघुत्वा लघु होती है, उससे लघुत्व होने से क्या करती है, वो दीपन और पाचन करती है। ठीक है, मतलब दीपन पाचन कैसे कर रही है, अग्नि जो है उसका दीपन कर रही है, अग्नि को दीपन करेगी तो दोषों का पाचन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 152 में क्या लिखा है, वात मूत्र पुरीषाणाम दोषाणाम च अनुलोमना, मतलब वात मूत्र मल, ठीक है, वात मूत्र पुरीषाणाम दोषाणाम च अनुलोमना, मतलब वात मूत्र मल पुरीष और दोषों का अनुलोमन करती है, कौन, यवागु। आप क्या लिखा है, स्वेदनाय द्रव उष्णत्वाद द्रव त्रिट प्रशांते, मतलब इससे क्या होता है, अब ये क्या होती है, द्रव और उष्ण होती है हमारी यवागु। ठीक है, द्रव और उष्ण होने की वजह से क्या होगी, स्वेद जो है उसको अधिक मात्रा में ये निकालेगी, स्वेद अधिक मात्रा में निकालेगी, और उसके साथ साथ क्या होगी, त्रिट प्रशांति, मतलब द्रव होती है इसलिए क्या करती है, ज्वर में जो तृष्णा आती है उसको भी ये शांत करती है। तो हमने क्या देखा कि द्रव और उष्ण होती है इसलिए स्वेद का नाश करती है, और द्रव होती है इसलिए ज्वर में जो उत्पन्न आपकी प्यास होती है उसको शांत करती है, क्या, हमारी यवागु। अब उसके बाद क्या लिखा है, आहार भावात प्राणाय सर्त्वाल लाघवाय च, मतलब ये अन्य द्रव्यों के संयोग से बनाई जाती है। ठीक है, अब अन्य द्रव्यों के संयोग से इसको बनाया जा रहा है और आहार की तरह इसको लिया जा रहा है, तो आहार होने के कारण ये क्या करेगी, हमारे बल को जो है बढ़ाएगी। ठीक है, बल बढ़ाएगी, आहार भावत प्राणे सर सरत्व लाघवाय, और
और उसके साथ साथ क्या होगा, सरत्वा लागवाय, मतलब जो गुण है इसका सर होगा, और शरीर में क्या आएगा, लागवाय मतलब लघुता हल्कापन ये उत्पन्न करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ज्वर अग्नियो ज्वर साथ में त्वस तस्मात, मतलब ये ज्वर अग्नि होती है और ज्वर की प्रकृति के अनुकूल होने से ही क्या करती है, ज्वर को नष्ट करती है, ठीक है। ज्वर साथ में त्वा तस्मात, इसलिए आपको ये ज्वर साथ में त्वा तस्मात ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ज्वर साथ में त्वा तस्मात किसके लिए आया है, यवागु के लिए आया है। यवागु और क्या कर रही थी, अग्नि का दीपन कर रही थी क्योंकि औषधियों से सिद्ध थी, और उसके साथ साथ क्या कर रही थी, वात मूत्र पुरीष और दोषों का अनुलोमन कर रही है, द्रव और उष्ण होने की वजह से स्वेदन कर मतलब स्वेद ला रही है, और उसके साथ साथ क्या कर रही है, द्रव है तो तृष्णा का नाश करेगी जो भी हमारे उसमें ज्वर में उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ क्या करेगी, आहार में इसको आहार की तरह इसको लिया जाता है तो ये बलवर्धन होगी। बलवर्धन होने के साथ साथ क्या होगी कि सर है और लघुता उत्पन्न कर रही है, और उसके साथ साथ क्या है, ज्वर साथ में त्वात तस्मात मतलब ज्वर के अनुकूल होने से, ज्वर की प्रकृति के अनुकूल होने से ये क्या करती है, ज्वर का नष्ट करती है, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। अब उसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 157 पे, 154 पे। 154 में क्या लिखा है कि यवागु के प्रयोग में अपवाद क्या होते हैं, मतलब यवागु का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो आपको कब नहीं करना चाहिए, मतलब ये बोला गया है कि यवागु जो है वो आप सभी ज्वरों में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको यवागु का प्रयोग नहीं करना है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं, श्लोक नंबर 154 में दिया है, मदात्ये मध्य नित्ये ग्रीष्मे पित्त कफादिके ऊर्ध्वगे रक्त पित्ते च यवागुन हिता ज्वरे, मतलब सामान्यतः आपको यवागु का प्रयोग तो सभी ज्वरों में करना है, लेकिन मदिरा पीने से उत्पन्न ज्वर या मदात्य में, ठीक है, मदात्य मध्य नित्य नित्य आप मदिरा का सेवन कर रहे हो, या मदात्य ज्यादा हुआ है, या ग्रीष्म ऋतु है, या पित्त और कफ की अधिकता है, तो कब कब नहीं करना है, पित्त कफ की अधिकता में नहीं करना है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है, करना है मदात्य और मध्य नित्य में नहीं करना है। और उसके बाद क्या लिखा है, ऊर्ध्वगे रक्त पित्ते च यवागुन हिता ज्वरे, और ऊर्ध्व रक्तपित्त जब होता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है मतलब ऊपर के मार्गों से जब रक्तपित्त निकल रहा होता है तो भी हमें यवागु का प्रयोग नहीं करना है। तो याद रहेगा आपको कब कब नहीं करना है, आपको मदात्य में नहीं करना है, आपको मध्य नित्य में नहीं करना है जब नित्य मध्य का सेवन हो रहा होता है, आपको ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना है, आपको पित्त कफ के अधिकता में नहीं करना है, आपको जब ऊर्ध्व रक्तपित्त होगा तब आपको यवागु का सेवन नहीं करना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, हमने यवागु देख लिया, अब हम देखेंगे तर्पण, ज्वर में तर्पण का प्रयोग, ठीक है। आपने लंघन देख लिया, आपने षडंगपानीय देख लिया, आपने वमन देख लिया, आपने यवागु देख लिया, अब आप क्या देख रहे हैं, तर्पण। मैं ये सीरीज बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये सुन सुन के ही बार बार याद हो जाए, ठीक है, और आप उसको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। अब आता है कि ज्वर में तर्पण का प्रयोग किस प्रकार बताया गया है, तो आप आएंगे श्लोक नंबर 155 पे। 155 में क्या लिखा हुआ है, तत्र तर्पणमेव आग्रे प्रयोज्यम लाज सत्तु भी ज्वर आप हे फल रसय युक्तम समधु शर्करम, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त हो, ठीक है, तत्र तर्पणमेव आग्रे प्रयोज्यम लाज सत्तु भी, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त हो मतलब जो ज्वर अवस्था है, मतलब जब आपको ज्वर हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपके मुख से रक्त आ रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तर्पण का प्रयोग करना है, आपको यवागु नहीं प्रयोग करना है ऊर्ध्व रक्तपित्त में, आपको किसका प्रयोग करना है, तर्पण का प्रयोग करना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्या बोला है इसमें कि वो तर्पण क्या करेगा, ज्वर नाशक फलों के रस और धान के लावा के सत्तू में, ठीक है, लाज सत्तू भी मतलब ज्वर नाशक जो फलों का रस होगा और धान के लावा के सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर उसको देना है। देखो अब ये पूरा श्लोक हम ओवरऑल देखते हैं, ठीक है, आपको ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्या करना है, आपको ऊर्ध्व रक्तपित्त में यवागु नहीं करना है, तर्पण का प्रयोग करना है।
तर्पण का प्रयोग करने के साथ साथ आपको करना क्या है कि आपको लाज सत्तू भी यूज करना है, मतलब ज्वर नाशक फलों का जो रस होता है, फलेर रस युक्तम स मधु शर्करम, ठीक है, जो ज्वर नाशक फलों का रस होता है उसके, मतलब उसको और धान के लावा के सत्तू को लेना है, ठीक है। लाज सत्तू भी फलेर रस युक्तम, उसको क्या करना है, मधु और शर्करा के साथ मिला के आपको यूज करना है, उससे क्या होगा, आपका ज्वर जो है नाश हो जाएगा। ये आपके किसमें इंडिकेशन बताई गई, ये आपकी बताएगी तर्पण में, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोक नंबर 161 पे। 161 में क्या बताया गया है कि अभी हमने देखा कि कषाय का प्रयोग हमें ज्वर में करना है, ठीक है, करना था या नहीं करना था ये बताएंगे आप मुझे। नहीं करना था, नए ज्वर में कषाय का प्रयोग नहीं करना था। क्यों? क्योंकि नए ज्वर में अगर आप कषाय का प्रयोग करते हो तो उससे क्या होती है, उससे हानि होती है। अब क्या हानि होती है वो हम देखते हैं श्लोक नंबर 161 में। तो उसमें क्या लिखा है, स्तभ्यंते न और विषम ज्वर, ये दो चीजें आपको माँ करनी है। मतलब अब जो हमारा तरुण ज्वर होता है, तरुण ज्वर में क्या होता है, जो हमारे दोष होते हैं वो स्तंभित हो जाते हैं, ठीक है। स्तंभित का मतलब होता है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक भी आपने उन दोषों को रखा है तो वो नहीं पचते हैं। अब अगर वो दोष नहीं पचेंगे, बहुत समय से आपकी बॉडी में रखे हैं, अब उसके ऊपर आपने कषाय का और प्रयोग कर लिया, तो उससे क्या होगा, कषाय का प्रयोग करने के बाद जो दोष है वो जकड़ जाएंगे, और जकड़ने के पश्चात क्या होगा, वो विषम ज्वर को उत्पन्न करेंगे। तो अगर आप नव ज्वर में कषाय का प्रयोग करते हो तो आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी, आपको जो तरुण ज्वर है उसमें दोष स्तंभित रहते हैं, स्तंभित होने की वजह से क्या होगा, वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर आप कषाय का प्रयोग करोगे तो वो क्या होंगे, वो दोष और जकड़ जाएंगे, जकड़ जाने की वजह से क्या उत्पन्न करेंगे, विषम ज्वर उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है यवागु के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। आपने यवागु का पान करा दिया था जो हमने पहले देखा था, अब आप मुझे ये बताएंगे कि यवागु का पान आपको किस किस में नहीं कराना है। याद है क्या था, मदात्य, मदात्य, मध्य नित्य, ये सारे थे हमारे, ऊर्ध्व रक्त पित्त था, पित्त कफ था, और एक और क्या था, याद करके आप मुझे बताओ। उसके बाद आता है कि यवागु का आपको जब पान कराना है तो आपको क्या कर्तव्य आपको पालन करने हैं। तो यवागु पिलाने के बाद भोजन का काल उपस्थित हो जाए तो 10 दिन जंगल पशु पक्षियों के मांस रस से अथवा जो हितकारी यूष हों उनमें अम्ल लघु अन्न ज्वर शांति के लिए करना चाहिए। मतलब जब भी आपने यवागु पान करा दिया, ठीक है, यवागु पान कराने के बाद भोजन का काल उपस्थित हो जाए, मतलब यवागु पान कराने के बाद आप भूख लग गई है, अब आपको खाना खाना है, तो आपको क्या करना है, 10 दिन तक जांगल पशु पक्षियों के मांस रस उसको देना है। 10 दिन तक जांगल पशु पक्षियों का मांस देना है, या जो हितकारी यूष है उस यूष को अम्ल रस के द्रव्य हैं उनसे सिद्ध करके आपको देना है, ठीक है। जो हितकारी यूष है आपको उसको अम्ल रस से सिद्ध करके द्रव्यों को देना है। अब इसके बाद जो जो भी आज हमने पढ़ा आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। वो चीजें ऐसी हैं जो आपको एक बार ही लगेगा कि हमें याद हो गई, लेकिन दूसरी बार में आप उसको भूल जाओगे, तो उसको कॉन्टिन्यूस रिवीजन में रखना। आप एक एक चीज से, अगर आपने ये वागु यहाँ पढ़ा तो आप उसको और लिंक करके सोचना कि ये वागु में हमने और क्या 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 कब कब पढ़ा था। तर्पण पढ़ा तो वो तर्पण हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था। अब जैसे कषाय है तो हमने कषाय यहाँ पढ़ा, तो कहाँ का निषेध था उसका, तरुण ज्वर में निषेध था या नव ज्वर में निषेध था, या जो हमने पढ़ा था कि व्यायाम का सेवन नहीं करना है, आतप का सेवन नहीं करना है, वो वाला श्लोक हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको उसको चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल।